प्रभु जय जिस विषय में आज मैं बातचीत करना चाहता हूं उसके विषय में आप जानते हो करीब दो महीने से इवेंजुलिज्म के विषय में बातचीत होता है और कई बार कई पादरियों से आप लोगों ने सुना है इवेंजुलिज्म के विषय में क्या है इवेंजुलिज्म आज मैंने एक टॉपिक चुना है और वो है प्राण बचाना और चेला बनाना और अंग्रेजी में है टू सेव अ सोल एंड मेक डिस यही सब कुछ प्रचार होता है यहां से ताकि आप तैयार होकर किसी एक को ऐसा सुसमाचार जाकर सुनाए क्या सुनाए परमेश्वर के जो नक्शा है परमेश्वर का जो हम कहेंगे अंग्रेजी में प्लेन ठीक है घर के प्लेन बने हैं मोटर गाड़ी के प्लेन बने हैं हम मनुष्यों को बनाने के बचाने के लिए परमेश्वर का एक योजना है बहुत समय से आप मसीह के दास हो या मसीह के सेवक हो और जैसे मैंने कहा दो महीने से ज्यादा हो गए हैं इवेंजुलिज्म के विषय में यहां पर बातचीत होता है कितने लोग किसी से सुसमाचार का जिक्र किया है गॉड हैज अ प्लेन एंड ऑल ही नीड्स अ मैन हमारे मुख्य पादरी कुछ साल पीछे ए, इस वचन को लेकर आया था ए, ये बाइबल स्टडी था जिसमें हम शामिल थे और हम हम कह सकते हैं कि हम कृतज्ञ थे कि उस बाइबल स्टडी में हम जब भाग लिए तो हमें ये मालूम हुआ कि कितना ज़रूरी है उस प्राण को बचाने के लिए जिसके लिए यीशु मसीह स्वर्ग से आकर और एक अनोखा बलिदान को दिया है क्या उस बलिदान का अंदाज है तुम्हें और हमने एक गीत को लिखा मैं थोड़ा से गुनगुनाऊंगा हम्म गॉड हैज अ प्लान ऑल ही निजम में दुनिया को छोड़ उसको अपना दुनिया को छोड़ उसको अपना सच्ची बात बताता है सच्ची राह दिखाता है सच्ची बात बताता है सच्ची राह दिखाता है प्रेम करता है वो सो सो बार गॉड हैज अ प्लान ऑल ही दुनिया को छोड़ उसको अपना दुनिया को छोड़ उसको अपना प्रभु की जय हम प्रार्थना करें ग्लोरी टू गॉड धन्यवाद पिता हम तेरे सन्मुख आते हैं महिमा और आदर देते हैं तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आज तूने हमारे हृदय में रखा है जिसके विषय में आज हम बातचीत को करेंगे पवित्र आत्मा तू अगुवाई को करना और हृदय को मनो को तू छूना ताकि उनके समझ में आ जाए कि सुसमाचार कितना महत्व रखता है तुम्हारे जीवन में धन्यवाद पिता मुक्तिदाता यीशु के नाम से आमीन। प्रभु की जय कितना महत्व रखता है आ, ये जो वचन सुनाना लोग क्या सुनाए हम दो महीने से आप लोग वचन यहां पर सुन रहे हो कि जरूरी है कि हम निकल कर जाए जो लोग आज यीशु मसीह को नहीं जानते जय अनगिनत लोग हैं कई लोग हैं मैं जो वचन लेकर आया हूं मैं चाहता हूं कि आप वचन को खोले लुक चैप्टर 15 वेस वन से लेकर सेवन तक मैंने सिर्फ सात को रखा है ताकि आप बाकी सुनकर सो न जाए लेकिन इन सात वचनों को आप अच्छी तरह से पढ़े देखे कहाँ क्या लिखा है और मैं हिंदी बाइबल में से पढ़ता हूँ वहाँ पर शायद हिंदी कुछ फर्क होगा लेकिन जो कुछ मेरे बाइबल में लिखा मैं पढूंगा आप ज़रा ध्यान से सुने देखे क्या लिखा है ये खोई हुई भेड़ की विषय में है सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आए किसके पास यीशु मसीह के पास याद रखना यह या यीशु मसीह का वचन है सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आए आया करते थे ताकि उसकी सुने पर बस तू पर फिर और शास्त्री कुरा कर कहने लगे ये तो पापियों से मिलत मिलता है और उनके साथ खाता भी है तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा तुम में से कौन है जिसकी सौ भेड़े हो और उनमें से एक खो जाए तो निन्यानवे को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठाकर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है मैं तुमसे कहता हूं मसीह कहता है मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि निन्यानवे ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्होंने मन जिन्हें मन फिराने का आवश्यकता नहीं है प्रभु जय तो यीशु मसीह यहां पर क्या बात करता है खोई हुई भेड़ कौन है ये ये खोई हुई अगर आप बाइबल को देखोगे यहां पर लिखा है मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होता है एक प्रभु मसीह उन निन्यानवे नाइनटी नाइन भेड़ों के विषय में कुछ नहीं यहां पर बतलाता है उसे इतना कहता है कि उसे छोड़कर और वो एक भेड़ा को खोजने के लिए निकल जाता है प्रभु की जय वो एक भेड़ा कितना बहमूल्य है परमेश्वर के नजरों में आपको जानना यह जरूरी है वो एक भेड़ा कौन है आप भी उस एक भेड़े में से थे मैं भी था हम सब के सब एक वही भेड़े थे जो खोए हुए थे लेकिन सुंदर बात तो यह है कि कोई उस सुसमाचार को लेकर हमारे पास पहुंचा प्रभु की जय आपके घर पर या आपके रिश्तेदार के घर पर कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से आपने यीशु मसीह के विषय में सुना और आपने मन फिराया तभी तो आप यहां पर हो नहीं तो आप यहां नहीं होते मैं नहीं होता पादरी नहीं होता अगर वो मन नहीं फिराता तो आज तक परमेश्वर का जो सुसमाचार है नहीं सुनाता इसलिए सुना रहा है ताकि हम जो लोग मन फिरा चुके हैं यीशु मसीह के पीछे हम चल पड़े हैं हमारा यह कर्तव्य बनता है परमेश्वर का यह आज्ञा है कि हम उन लोगों तक भी जाकर सुसमाचार सुनाए जो आज यीशु को नहीं जानते प्रभु की जय अगर हम यहां पर देखें मसी चुंगी लेने वाले जो लोग टैक्स कलेक्टर्स, ठीक है और पापी लोग उनके साथ में बैठकर सुसमाचार सुना रहा है ये स्वर्ग से आने वाला परमेश्वर ये परमेश्वर का इकलौता पुत्र जिसने हम सबके लिए एक अनोखा बलिदान को दिया है लोगों ने उसको पर थूके उसने थप्पड़ मारे कोड़े मारे दुर्दशा कर दिया हम कब कभी, कभी घबरा जाते हैं जब होली को मन होता पादरी सब वचन लेकर आता कि उसका जो जो शरीर था जोतल खेत जैसा जोतल खेत कैसा होता है कितने लोग जानते हैं जोतल खेत कैसा होता है वो मशीन से जब जोता जाता है सब उथल पुथल हो जाता है जंगल घास पत्थर बालू सब पता नहीं लगता को क्या क्या कुछ है वो प्रभु जय यीशु मसीह इनके बीच में आकर जिस काम के लिए परमेश्वर ने भेजा उस काम को वो पूरा करता है हम देखते हैं कि वो इन पापियों के बीच में है सुसमाचार बांट रहा बांट रहा है और फिर और शास्त्री लोग कुरकुराने लगे कि पापियों के साथ में उठता बैठता खाता पीता है क्या हमारी नजरें आज इन फिर की तरह है कि हम उनको उस नजर से देख रहे हैं स्वर्ग के राज में कौन कौन से लोग प्रवेश करते हैं तो बता सकता है कैसे लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे जिनका जिनका रवैया खराब है जो लोग फिसले हुए हैं जो लोग जो चोर डाकू और लुटेरे हैं जो लोग हत्या करते हैं ऐसे लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे कैसे जब हम और आप सुसमाचार को लेकर उन तक पहुंचेंगे जब वे मन फिराएंगे तब वे स्वर्ग के राज में प्रवेश कर पाएंगे प्रभु की जय ई मसीह आया इसलिए कि ये जो लोग जिनके साथ में वो खाता पीता रहा अंग्रेजी में हम कहेंगे दे वे रिजेक्टेड बाय द फेरे और शास्त्रियों से <coughs> वे तुच्छ जानते रहे उनके साथ में उठते बैठते नहीं ना खाते पीते लेकिन हम देखते हैं कि ईशु मसीह उन्हीं के साथ में आकर उठता बैठता है और खाता पीता है ये गंभीर बात है इसीलिए परमेश्वर ने भेजा के हम पापियों को बचाने ही केम टू seek एंड टू सेव द लॉस्ट लोग जो जिनके हमारे पास में कोई आशा नहीं था वी डिट नॉट है होप मेरे पास वो होप नहीं था वो आशा नहीं था क्योंकि मैं प्रभु को जानता भी नहीं यहां पर जितने भी लोग हैं एक बहुत बड़ा फौज है जिन्होंने यीशु मसीह को अपना लिया है आप लोगों ने मन फिराया मसीह के पीछे अब चेले बनकर चल रहे हो चेलों का काम क्या है वे बारह चेले जो यीशु मसीह के साथ में रहे वे क्या किए सुसमाचार को सुनाया प्रभु की जय और तब जब हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया उसने एक अपना एक लोता पुत्र को दे दिया और सबको पुत्र को जाने उसके पीछे हम चलता है अगर हम और आप उसके पीछे हो लिए हुए तो हमें यह भी जानना है जो काम यीशु मसीह आकर किया है यही आज्ञा हमें और आपको भी मिला है ताकि हम निकल कर जाए और सुसमाचार क्या सुसमाचार सुनाना है बाइबल में से क्योंकि वे समझेंगे नहीं जो यहां लिखा है हम हम यीशु मसीह को जानते हैं और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं हम समझ जाते हैं कि यह क्या लिखा है क्या सुसमाचार सुनाओगे प्रभु की जय आप लोग सोना जाना मर रहा मैं वहां पर उतर जाऊंगा प्रभु की राय ठीक है थीके? और जब वचन आता है उसे आनंद से ग्रहण करो कुछ ऐसी बातों को आज मैं आपके बीच में रखता हूं जिसको आप इस्तेमाल करो अप्लाई करो अपन लाइफ में और आगे बढ़ जाओ एक ऐसे व्यक्ति पास जाओ जो यीशु मसीह को नहीं जानता हम लोग सुनते हैं कि मिशन मिशन तुआ है मिशन टुआ पे जाते हैं लोग यीशु मसीह का जो मिशन था वो पृथ्वी पर आकर परमेश्वर के जो इच्छा के अनुसार द डिजायर ऑफ गॉड टू सेव परमेश्वर की इच्छा था कि एक एक भी मनुष्य नाश ना हो इसलिए जौंतरी शिक्षण आप अगर पढ़ते हो तो जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट ना होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा प्रभु की जय आनंद जीवन इटर्नल लाइफ ये परमेश्वर आनंद जीवन देने को तैयार है बाइबल में हम अगर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जॉन चैप्टर फोर्टीन वे सिक्स में लिखा बोले हाँ आई एम द वे आई एम द ट्रूथ एंड एंड लाइफ मार्ग सत्य और जीवन वही है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु की जय तो हम आज देखते हैं कि एक ये भेड़ा निन्यानबे सुरक्षित है लेकिन एक नहीं है अगर हम बाहर झांक कर देखे तो ऐसी कई भेड़े हैं जो अंधकार में भी, भी है जो यीशु मसीह को नहीं जानते हम जैसे कह रहे थे क्या हमें जाकर सुनाना है ये बाइबल का बेस वो नहीं समझेंगे हमें जाकर अपना प्रमाण देना है कि किस तरह यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कार्य को किया है किस तरह से उसने मुझे बचाया है किस तरह से मेरे मैंने मन को कैसे फिर फिराया है किस तरह से वो मेरे जीवन को बदल डाला है प्रभु की जय क्या वाकई में हमारा जीवन बदला हुआ है आप खुद जान सकते हो एक वो भेड़ा उन भेड़ों में से वो भेड़ा मैं था आई वॉज दैट लैम और शिप कहेगा मैं वो भेड़ा था मैं अपना प्रमाण देता हूं क्योंकि मैंने कहा कि जैसे मैंने पहले कहा सात से आप जाकर उसे पढ़िए घर पर और देखिए कि आपसे पवित्र आत्मा क्या बात करता है वो इस एक भेड़े को बचने से स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर और स्वर्गदूत धूम मचाते हैं प्रभु की जय जब हम सब के सब खोए हुए थे जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते रहे लेकिन जिस दिन जाना जिस दिन हम लोगों ने मन फिराया और अपने उस पापी जीवन से आगे बढ़कर हम जब आए घूमकर यीशु मसीह की तरफ जब हम लोग चलने लगे तो हमारे लिए भी स्वर्ग में परमेश्वर और उसके स्वर्ग दूतों के द्वारा धूम मचा प्रभु इससे हमें आनंदित होना चाहिए दैट गॉड एंड द एंजल्स अंग्रेजी में कैसे लिखा है इन द सेम वे आई टेल यू देयर विल बी मोर जॉय इन हेवन ओवर वन सीना हु रिपेंट्स देन ओवर 99 नाइन रिस्पेक्टबल पीपल हु डू नॉट नीड टू रिपेंट प्रभु की हम आप और आप और आप और जो इधर बैठे हैं अपना परमाण दे सकते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर ने कैसा अद्भुत और आश्चर्य का को किया है प्रियलोक में अपना जो टमनी में देना चाहता हूं मेरा जो जीवन था एक भयानक जीवन था पाप में डूबा हुआ मैं एक ऐसा एक ऐसा व्यक्ति था लोगों से लड़ाई झगड़ा करने के लिए एक ऐसा अंधकार में था जहां मुझे निकलना मुश्किल कोई रास्ता नहीं और ना मैं निकलना चाहता था क्योंकि मैं उस, उस जीवन से गले लगाए वो हम बहुत प्यार करते रहे ऐसे हम सब के सब थे मेरे जैसा कई और लोग भी होंगे आज जिन तक पहुंचना है अगर इस बात को हम बैठकर सोचे तो हमारा जो हृदय है वो दुखित हो जाएगा क्योंकि अगर वे सुसमाचार को नहीं सुने हमारे विषय में नहीं सुने हमारा प्रमाण नहीं सुना परमेश्वर इतना प्रेम करता है और जो आज्ञा नहीं मानते जो मन नहीं फिराएंगे उनके लिए एक ऐसा जगह है जहां पर लौटकर परमेश्वर के साथ में रिश्ता कभी नहीं रख सकेंगे मेरा जो जीवन था वो भयानक था मैं अपने एक अलग दुनिया में रहता, कर, रहता रहा आप समझ सकते हो क्या होता है उस दुनिया में एक दिन मेरे घर पर कोई आया और ये कोई नहीं ये मेरा छोटा भाई आया ये एक नजरी था सच बात मैं बतलाता हूं क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा ग्रोगी भी था प्रभु की जय इट्स नॉट गुड अच्छा अच्छा जीवन नहीं था लेकिन मेरे लिए बड़ा प्यारा था कि मैं यार दोस्त थे और ये सब कुछ हम निकल कर मैं यहां पर दो और आधा साल चेच आया लेकिन मेरा जो जीवन था वो बदलाव नहीं ला सका मैं दू और आधा साल तो ये सुनो कि जब मेरे घर पर मेरा छोटा भाई आया और मैं जानता हूँ कि वो उसका जो रवैया है वो अलग है और उसने आकर मेरे घर पर मुझे धमकाया मुझसे कहा कि तुम चेच नहीं जाता तुम यीशु मसीह और परमेश्वर से दूर है तुम तो अपने जाएगा नरक जाएगा और हमारे साथ में मेरा मेरे जो पत्नी रही मेरे तीन बच्चे रहे वे भी जाएंगे मुझे अच्छा तो नहीं लगा मैंने अपने हृदय में सोचा ये क्या बात कर रहा है ये तो खुद धोते है लेकिन मैं आपके एक बात बताऊं उसके जाने के बाद में मेरे दिल के अंदर में कुछ चुग गया वो बात मुझे लग गई कि ये भले ही वो धूत था लेकिन ऐसा बात कर गया वो सौ टका था मैंने इसके विषय में बहुत कुछ सोचा कि मेरे वजह से मेरे परिवार भी वहीं जाएंगे जहां मैं जाऊंगा अधलोक में नरक में मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं जो घर का अगुआ था ऐसे ऐसे काम में फंसा था और जब हमने मन को फिराया हम अपने जीवन को अप मसीह के हाथ में सौंपा और उसने मेरे जीवन को बदल दिया आज मैं उसका जो वचन है कई जगह पर प्रचार करता हूं क्योंकि मेरे जीवन में बदलाव उसी के द्वारा आया है और आप लोग का प्रेम आप लोग सच मुझे कुछ जने नहीं जानते लगभग 20 वर्ष हो गया है मुझे इस कलिशा में लेकिन ये 20 वर्ष 20 घंटा 20 मिनट के रकम है लेकिन बात यह है कि मैं जो भटका हुआ एक भेड़ा था किसी ने आकर वो सुसमाचार को सुनाया कि मुझे प्यार करने वाला एक स्वर्ग पिता है प्रभु इस मसीह ने मेरे लिए कोड़े को खाए मेरे लिए अपने प्राण को दिया ये बात मुझे चुक गई और और हम मन फिराए, हमने ये देखा कि मेरे जरिए मेरे परिवार का जो जीवन है वो भी नरक की ओर जा रहा है और जब मैंने मन फिराया तब तो मैंने देखा और महसूस कर सका कि उसका प्रेम कितना गहरा है इसलिए जोन थ्री सिक्सटीन जो कहता है कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया है मैं इसके विषय में नहीं जानता रहा मेरे तरह कितने लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते आप अपना प्रमाण दो आप खुद यू आर अ टेस्मनी योर सेल्फ आप खुद एक प्रमाण हो अपने जीवन में यू कैन बी यू कैन टेस्टिफाई यानी कि आप अपने विषय में बतला सकते हो प्रेम से धीरज से शांति से क्योंकि परमेश्वर का ये ये चाहत है कि हम जो यीशु मसी के जो सेवा करते हैं हम अपने स्वर्गीय पिता का यह जो काम है दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ाए उन सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए जो आज अंधकार में है जो आज जकड़े हुए हैं शैतान ने मुझे बहुत अच्छी तरह से जकड़ कर रखा था लेकिन मैं एक बात बताऊं, यीशु मसीह के ताकत से ज्यादा ताकत नहीं है उसके पास प्रभु की जय उस जंजीर से उसने मुझे छुड़ाया आप सबको छुड़ाया है और उनको भी वो छुड़ा सकता है जिनको आप जाकर सुसमाचार सुनाए एक बार सुनाए दो बार सुनाए लेकिन जाकर बार बार सुनाए अगर हम लोग देखेंगे बाइबल पढ़ेंगे हम देखेंगे कि यीशु कहता है कि आई हैव कम टू सीक एंड सेव मैं आया हूं ढूंढने और बचाने प्रभु की उस प्राण को बचाने उस एक प्राण को क्या आज हम आ, ये कह सकते हैं कि आज मैं यहां से जाने के बाद मैं किसी को अपना प्रमाण दूंगा कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या किया है प्रभु की जय मेरे साथ में आप सब खड़े हो जाए इसलिए मैंने कहा है बहुत छोटा सा है ये सात वैसों का वचन है मेरे जीवन में अगर बदलाव आ सका है उनके जीवन में भी बदलाव आएगा क्योंकि आप लोग इस वचन के विषय में बहुत कुछ सुन सके हैं अब समय यहाँ है टाइम फॉर एक्शन हम जाए और किसी का किसी के घर पर या किसी भाई या बहन याद रखना आपके पास भी भाई बहन माँ बाप आ, और रिश्तेदार है जो आज यीशु को नहीं जानते उन तक पहुंचो उन तक सुसमाचार सुनाओ क्योंकि अगर वे मन नहीं फिराएंगे तो हमारे हाथों से बाहर है कहां जाएगा वे कहां, कहां पर जाएंगे आप जानते हो वो एक अच्छा जगह नहीं है वहाँ से परमेश्वर का रिश्ता टूट जाता है और कोई भी रिश्ता वो नहीं रख सकता वो बहुत देर हो जाएगा हम और आप बूढ़े हो चले हैं प्रभु की जय हमारी जो आयु है हमारा जो एज है वो जा रहा है किसी को जाकर सुसमाचार सुनाए पादरी बने के काम नहीं है वट एवर यू कैन जो कुछ भी बाइबल में लिखा है आप उन्हें सुना सकते हैं शायद पहला बार सुनकर नहीं समझेंगे लेकिन उनको जाकर विजिट करो मुझे ख्याल है जब हमारा पुराना गिर्जा घर था वो टाइम पादरी साहब ने एक एक सलाह दिया था कहा था कि जो स्त्रियां हैं अपने घर पर जलेबी बना ले और वो जाकर अपने पड़ोसी को दे या अपने घर पर बुला ले आमंत्रित करे चाय पियाए और सुसमाचार सुनाए दे प्रभु की जय मेरे साथ में अपने आंखों को मुंदे हाल ग्लोरी टू गॉड प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए और जो कुछ भी हमने आज कल के बीच में रखा है तो उनके हृदय से बातें करना के वे भी निकल कर जाए तुम्हारे जो जो राज है क्योंकि उस राज्य में हम सब शामिल हैं क्योंकि तूने हमें अधोलोक में जाने से बचा लिया है और हमारे सगे संबंधी हमारे भाई हमारे बहन हमारे बेटे बेटियां जो हैं जो आज यीशु को नहीं जानते हम तक सुसमाचार जरूर सुनाएंगे इसी सप्ताह हम ये खबर हमें मिलेगा कि किसी न किसी को हम जाकर सुसमाचार को सुनाए हैं ताकि उनके जीवन में बदलाव आए क्योंकि बदलने वाला परमेश्वर तू ही है तू कभी नहीं बदलता लेकिन हम सब के जीवन को तू बदल देता है क्योंकि हम जब पाप में ही में थे तभी तू ठीक समय पर मरा और हम सबको अपने लहू से धो दिया धन्यवाद पिता तुम्हारी दृष्टि करुणा तुम्हारा बहुताय का आशीष और अनुग्रह हम सब पर आज और सर्वदा रहे मुक्तिदाता ईश्वर के नाम से आमेर